नमस्कार विद्यार्थियों, आज हिंदी विषय में कक्षा दसवीं पाठ नौ संगतकार अध्याय को लेकर के प्रस्तुत हुआ। इसके रचयिता मंगलेश डबराल है, उनका जीवन परिचय। पत्रकार से साहित्यकार बने मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में। दिल्ली आकर हिस्ट्री पोर्ट्रेट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। उनकी रचनाएं, इनकी रचनाएं कविता संग्रह है, चार भागों में प्रकाशित हो चुका है, जो इस प्रकार है: पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। भाषा शैली, इनकी भाषा सहज और सरल है। दैनिक जीवन में बोले जाने वाले शब्दों को ही उन्होंने अपनी कविता का माध्यम बनाया है। भाषा को कहीं भी दुरूह नहीं होने दिया, कठिन नहीं होने दिया, सहजता से भाव समझ में आने वाले शब्द इन्होंने प्रयुक्त किए हैं। जहां पूंजीवाद का विरोध हुआ है, वहां कविता में व्यंग्य के दर्शन भी होते हैं। इनके काव्य में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अब जो संगतकार कविता है उसका सार इस रूप में। संगतकार कविता में कवि ने उन व्यक्तियों के महत्व को दर्शाया है जो मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उसके स्वर को गति प्रदान करते हैं, जो मुख्य गायक होता है उनको सपोर्ट करते हैं। संगतकार मुख्य गायक को उस समय सहारा देता है जब उसका स्वर भारी होने लगता है, उसका स्वर बिखरने लगता है। कभी कभी संगतकार मुख्य गायक को उस समय उत्साह प्रदान करता है जब स्वर बिगड़ने से उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इस प्रकार संगतकार सदैव मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाता है। मुख्य गायक किसी भी अंतरे की जटिल तानों में जब उलझ कर रह जाता है या किसी सरगम को लांग कर ऊंचे स्वर में खो जाता है, भटक जाता है, तब संगतकार ही अंतरे की मुख्य पंक्ति को पकड़कर संभाले रखता है। संगतकार की ऐसी भूमिका होती है जैसे मुख्य गायक के बिखरे या छूटे हुए सामान को समेटकर इकट्ठा कर रहा हो। संगतकार कविता का काव्यांश नंबर वन, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर और कांपती हुई थी। मतलब ये संगतकार के बारे में बता रहे हैं, जो मुख्य गायक है उसका साथ देने वाला व्यक्ति है उसके बारे में बताते हैं। अब संगतकार की आवाज होगी वो तो दृढ़ता और आत्मविश्वास से लबरेज होगी, इसलिए वो भारी होगी। और वह आवाज सुंदर, कमजोर और कांपती हुई किसकी है? वो संगतकार की है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, पुरानी परंपरा चली आ रही है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार की स्थाई को संभाले रहता है। वो संगतकार ही होता है, उस स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसी किया था। अब यहाँ पर इसका भावार्थ इस रूप में है कि कवि ने मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाने वाले उस संगतकार के महत्व को दर्शाते हुए कहा कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी स्वर में गीत गाता है, कोई सरगम गाता है, तब संगतकार उसको सहारा देकर संभाले रखता है। संगतकार की आवाज मुख्य गायक की अपेक्षा सुंदर,
कमजोर और कांपती हुई होती है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि यह जो गीत है, यह जो कविता या गाना है, उसमें उसकी मुख्य भूमिका नहीं है, वह एक असिस्टेंट के रूप में साथ देने वाला, तो आत्मविश्वास थोड़ा सा कम होता है। हालांकि वह मुख्य गायक को दिशा निर्देश का भी काम करता है। यह संगतकार मुख्य गायक है, उसका छोटा भाई भी हो सकता है, या शिष्य भी हो सकता है, या कोई उसका दूर का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। यह रिश्तेदार संगीत सीखने का इच्छुक कहीं दूर से पैदल चलकर आया हुआ हो सकता है। यह संगतकार पुराने समय से ही मुख्य गायक की ऊंची और गंभीर आवाज में अपनी आवाज मिलाता हुआ चला आता है। मुख्य गायक संगीत की कठिन तानों में जब भटक जाता है अथवा स्वर के साथ नहीं गा पाता, क्योंकि देखो सीखने के बाद ही गलती होती है, तो मुख्य गायक कभी कभार प्रमादवश किन्हीं सुर और ताल गलत लगा देता है, तब यह मुख्य गायक को सही दिशा निर्देश करने के लिए संगतकार भी सही लय और ताल में गा करके उस मुख्य गायक को संभलने का एक मौका देता है। तब संगतकार ही अपने स्वर से उसको संभालता है। मुख्य गायक है उसको वो ही संभालता है कि नहीं, यहाँ पर तुमने सुर और लय ताल गलत लगा दिए थे, तब उसे संभालता है। कभी मुख्य गायक इतना भटक जाता है कि अनहद की गूंज में भी लड़खड़ा जाता है, तब संगतकार ही अंतरा को वापस गा गाकर स्थिति को संभाले रखता है। इस भूमिका का निर्वाह करते हुए ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सामानों को समेट रहा हो, क्योंकि जो मुख्य गायक ने जो गलतियां की है उनको सुधारता हुआ संगतकार आगे बढ़ता है। ऐसा करके वह मुख्य गायक को यह एहसास कराने की कोशिश करता है कि वह भी ऐसा ही करता था जब वह नौसिखिया हुआ करता था, मतलब जब सीखने की मुद्रा में था तब उससे भी वह गलतियां होती थी। काव्यांश नंबर 2, संगतकार कविता का। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यों ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या उसके स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता ही समझा जाना चाहिए। कि कवि के अनुसार संगतकार का महत्व केवल मुख्य गायक की सहायता करने के कारण ही नहीं है, अपितु मानवीय गुणों के कारण भी उसका महत्व बढ़ा हुआ है। मुख्य गायक जब उच्च स्वर में गाता है जिस या ऊंचे राग या तान में गाता है, मतलब उसको संगीत की भाषा में तार सप्तक कहते हैं, जब उसकी आवाज तार सप्तक तक पहुंचती है उसकी आवाज, या ऊंची आवाज में गाने के कारण उसका गला बैठने लगता है, आवाज भर्राने लगती है, उसमें राग जैसा कुछ गिरने लगता है, उसकी प्रेरणा मुख्य गायक की प्रेरणा भी साथ छोड़ने लगती है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, उत्साह कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि एक गलती हो गई। तार सप्तक के अंदर उसके जिस वेग से स्वर लगने थे वहां नहीं लग रहे हैं, उसका उत्साह कम होने लगता है, उसे ऐसा आभास होने लगता है कि उसकी आवाज अब उसका साथ नहीं दे रही है, निराशा गायक पर अपना प्रभाव दिखाने ही लगती है, तब संगतकार उसको सांत्वना देकर
प्रोत्साहित करता है। कभी कभी संगतकार स्वयं मुख्य गायक का साथ देकर यह एहसास कराने में समर्थ होता है कि वह अकेला नहीं है। वह बता देता है कि जो राग बिगड़ चुका है तुम उसको फिर से गा सकते हो। तो मुख्य गायक के साथ साथ में सही राग में संगतकार उस बात को दोहराता है तो मुख्य गायक को एक संभलने का मौका मिल जाता है। संगतकार में इतना संकोच अवश्य दिखाई देता है कि वह मुख्य गायक की आवाज से अपनी आवाज को ऊंची नहीं कर सकता। संगतकार द्वारा उसकी आवाज को ऊंचा न उठाने की कोशिश उसकी असफलता नहीं है अपितु मानवता होती है। वह मुख्य गायक को अपना श्रद्धेय समझता है। संगतकार का यह भाव निश्चित ही प्रशंसनीय है। संगतकार कभी भी ऐसा नहीं सोचता है कि मैं आवाज में इतनी अच्छाई लाऊं कि लोग मुख्य गायक की बुराई करना शुरू कर दे या मुख्य गायक को सुनना बंद कर दे। इसलिए वो अपनी आवाज के अंदर जो गुणवत्ता है वो मुख्य गायक के समानांतर या उसके नीचे ही रखता है। तो ये उसकी असफलता नहीं है, ये उसकी मानवता है। उसको मालूम है कि मेरे श्रद्धेय हैं वो मुख्य गायक है। जिस प्रकार से हनुमान जी ने भी भगवान श्री राम को श्रद्धेय मान करके वो सीता माता को अंगूठी देने जितना तक का ही काम किया, बाकी उनमें उतनी शक्ति थी कि वो सीता को अपने कंधे पर उठा करके राम को सुपुर्द कर सकते थे, लेकिन उसमें रामायण का फिर विषय ही बदल जाता है। लोग हनुमान जी को ज्यादा महत्व देना शुरू कर देते थे और भगवान श्री राम को नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर संगतकार भी क्या करता है, मुख्य गायक को सदैव आगे रखता है और उसकी उस लेवल तक मदद करता है कि मुख्य गायक अपना प्रभाव वापस स्थापित कर सके। तो ये आपका भावार्थ इस रूप में हुआ। इसके प्रश्नोत्तर के लिए नीचे सदैव की भांति एक लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके इसके प्रश्नोत्तर प्राप्त करें और वीडियो को बार बार देख करके इसके भावार्थ को अच्छे से आप लोग याद कर लें ताकि आपको प्रश्नोत्तर में कठिनाई नहीं हो। तो सदैव की भांति आप अपना सहयोग बनाए रखें। आओ पढ़े चैनल इसी गुणवत्ता पूर्वक आपको वीडियो उपलब्ध करवाता रहेगा। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली परीक्षा भी MCQ लेवल में ही होगी।